हेलो गाइस, मेरा नाम है सुरेश सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। यहाँ पे इसका देख रहे हैं स्टेन वेरिएंट, ये कुछ फ्रंट से ऐसा लुक आता है इसका। ये इसकी फ्रंट ग्रिल काफ़ी एग्रेसिव लगती है, ये ग्रिल नीचे इसमें स्किड प्लेट मिलती है। ये इसके हेडलैम्प्स दो सेटअप में मिलता है, हाई बीम लो बीम, ये लो बीम है, ये हाई बीम। ये स्टेटिंग बेंडिंग लैम्प भी मिलता है इसमें, और ये एलईडी आईब्रो मिलती है, जब आप लाइट चालू करते हैं तब ये जलने लग जाती है। ये इसका फ्रंट फोक लैम्प, ये फ्रंट बोनेट में हुड स्कूप मिलता है। ये बोनेट स्कूप भी काफ़ी शानदार और मस्कुलर लुक देता है इस गाड़ी को। साइड से कुछ ऐसा लुक आता है इसका। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। ये इसमें 17 इंच के अलॉयज अभी गंदे हो रहे हैं, 235/65 R17 इनका साइज है। ये साइड में चढ़ने के लिए फुट स्टेप्स, ये ORVM में आपको मैनुअल मिलेंगे, ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते। ये स्कॉर्पियो का वेज, ये रूफ रेल्स ऊपर, ये विंडो अंदर से खुल जाती है जो मैं खोल के दिखाऊंगा। ये पीछे से कुछ ऐसा लुक आता है इसका। ये रियर वाइपर, ये लिविंग लाइफ फ्री की बेजिंग, ये रियर डिफोगर, ये स्कॉर्पियो की बेजिंग, ये थोड़ा डार्क शेड में दिया गया है। चार रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसमें, और ये LED टेल लैंप्स मिलते हैं जो डी शेप में है। इसमें भी आपको स्कॉर्पियो का बेज मिलता है। इस साइड से कुछ ऐसा लुक आता है इसका। चलिए मैं आपका इसको इंटीरियर दिखाता हूँ इसका। ये इस साइड पावर्ड बाय MHOK इसके इंजन की बेजिंग मिलती है। ये इसका ड्राइवर साइड डोर, ऑल फोर पावर विंडोज का कंट्रोल। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, बोतल होल्डर नहीं मिलता। ये पडल लैंप भी मिलता है इसमें आपको दोनों ड्राइवर साइड डोर में। ये इसकी फ्रंट सीट जो हाइट एडजस्टेबल है, 6 फुट एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको। ये कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो राउंड शेप में है। यहाँ से फट गया तो कोई भाई देख रहा है तो प्लीज माइंड मत करना। ये इसके ऑडियो के कंट्रोल्स और ये क्रूज कंट्रोल। इसमें दो एयरबैग मिलते हैं आपको, एक ड्राइवर साइड और एक को पैसेंजर साइड। ये यहाँ पे वाइपर्स का कंट्रोल मिलता है, और ये आपको लाइट्स के सारे कंट्रोल मिलते हैं। ये वाले स्विचेस आपको इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, मतलब रात को इसमें लाइट जलती है। यहाँ पर आपको रियर डिफोगर का स्विच चालू करने के लिए, और ये फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवला, ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए, ये देख सकते हैं आप एडजस्ट हो रहा है। इसका डैशबोर्ड ब्लैक एंड बीच कलर में दिया गया है जो देखने में काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो का बेज मिलता है। इसका ग्लव बॉक्स साइज में डिसेंट है। यहाँ पे आपको एक सिल्वर की फिनिशिंग मिलती है जो यहाँ तक कंटिन्यू होती है। ये चार रेसिवेंट्स मिलते हैं इसमें आपको। ये इसका 6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सपोर्ट करता है CD, USB, रेडियो, iPod, ब्लूटूथ एंड ऑक्स। कुछ इसका ऐसा इंटरफेस मिलता है, मीडिया, रेडियो, फ़ोन, कार इन्फो, नेविगेशन सेटिंग्स। कार इन्फो में जाएंगे तो आप ये फ्यूल इन्फो में देख सकते हैं कितने का एवरेज दे रही है और कितने किलोमीटर से ये जा सकती है, कितने फ्यूल, इतने फ्यूल में। ये टायरट्रॉनिक्स, इंडिविजुअल टायर का प्रेशर देख सकते हैं आप। ये रिवर्स कैमरा, ये वाला मॉडल S10 है तो इसमें रिवर्स कैमरा नहीं मिलता। अलर्ट्स, इसमें सारे अलर्ट्स देख सकते हैं गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और सर्विस इन्फो भी है, सर्विस ड्यू चल रही है तो ये दिखा रहा है ड्यू फॉर सर्विस। ये भी इल्यूमिनेटेड मिलता है आपको सारे स्विचेस। ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपको हैजार्ड लाइट का स्विच, ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प का स्विच, जब आप इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर डिस्प्ले में दिखता है। ये ऑटोमेटिक वाइपर्स का, और ये स्टार्ट ए स्टॉप,
यहाँ पे आपको ऑक्स एंड यूएसबी का पोर्ट मिलता है। यह आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ये 12 का पावर सॉकेट। यहाँ पे आपको दो बोतल होल्डर मिलता है, कप होल्डर भी मिलता है। ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, दो सॉकेट मिलता है आपको, एक पीछे भी मिलता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे भी कप होल्डर्स है और यह एसी वेंट्स है। आपको आर्मरेस्ट इंडिविजुअल मिलता है दोनों सीट्स में, जो कंफर्ट को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये पैसेंजर साइड डोर, यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सनशेड मिलता है, इसमें टिकट होल्डर नहीं मिलता आपको। ये ड्राइवर साइड IRVM जो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ही है। ये माइक, ये पैसेंजर साइड सनशेड, इसमें मिरर मिलता है आपको। ये चारों ग्रैब हैंडल मिलते हैं लेकिन ड्राइवर साइड नहीं मिलता। ये तीन लाइट्स मिलती है इसमें, पीछे भी लाइट दी गई है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। आओ मैं पीछे का स्पेस दिखाता हूँ। ये वाली सीट मेरे हाइट, मेरे पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट की गई है, तो पीछे स्पेस कितना बचता है देखते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कुछ ऐसा दिखता है, जब गाड़ी चालू करेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इसमें ये आइस ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो देखने में काफी शानदार लगती है। इसमें ये डिस्प्ले में ये शो करेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रिप एंड ट्रिप भी, इंजन टेम्परेचर और फ्यूल लेवल। इसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले में शो होती है। इसमें आप सेटिंग्स में जाके बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले यूनिट्स, ऑटो आंसर वगैरह, डिस्प्ले की ब्राइटनेस, व्हीकल इल्यूमिनेशन, क्लॉक वगैरह सब, ट्यूनर, ब्लूटूथ, साउंड, बेस, बैलेंस, फेडर, ट्रेबल, ये सब एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें। इसमें आउटसाइड टेम्परेचर भी शो होता है और टाइम भी शो होता है मीडिया। ये रियर डोर, इसमें आपको मोबाइल होल्डर नहीं मिलता, ये बस ऐसे ही है दिखाने के लिए। ये पावर विंडो का स्विच, ये ग्रैब हैंडल, और पीछे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है सरप्राइजिंगली। पीछे देख सकते हैं स्पेस, ये आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे आपको हेडरेस्ट भी मिलता है जो काफी नीचे पोजिशन किया गया है। तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चौड़ी सीटें हैं। यहाँ आपको रियर एसी वेंट्स, ये 12 का पावर सॉकेट भी मिलता है। पीछे आपको मैगजीन होल्डर भी मिलता है, और ये लास्ट रो, आप ये जंपिंग सीट्स मिलती है लास्ट रो में। पीछे दो स्पीकर हैं, और रियर एसी वेंट्स यहाँ इस वाली कैबिन में नहीं मिलता आपको। यहाँ पे इस वाली विंडो को आप ऐसे खोल सकते हैं मैनुअली। पीछे आपको चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है, और ये लाइट मिलती है, और कुछ नहीं मिलता पीछे। ये मैं आपको इसके इंजन के स्पेक्स बताता हूँ। पीछे से कुछ ऐसा लगता है इसका केबिन, जो काफी शानदार लगता है देखने में। इसमें यह हाइड्रोलिक असिस्टेंट बोनट मिलता है जो अपने आप ऊपर हो जाता है जब भी आप इसको खोलेंगे तो। ये S10 मॉडल है, इसमें 120 BHP की, ये इंजन 120 BHP की पावर जनरेट करता है, 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अभी जो AC11 आ रही है वो 140 BHP की पावर जनरेट करती है और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो ये 20 BHP लेस पावर जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू S11। S11 का भी रिव्यू आएगा बहुत जल्द। इसके MID में 3D इफेक्ट मिलता है, जब भी आप इसको ऑफ करेंगे तो ये धीरे धीरे बंद होती है बिल्कुल, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेगी स्कॉर्पियो के बारे में, और इसकी इंफोटेनमेंट की डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।